शुरू करते हैं अध्याय 10। हेलो एलकेन एंड हेलो एरिन का दूसरा वीडियो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्या सर पे। इस वीडियो में इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ मैं हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो एलकेन एंड हेलो एरिन। तो इसका मैं लिंक पीडीएफ लिंक नीचे दे दिया हूँ, इसे आप चाहते हैं नोट डाउन करना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। पहला है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, मतलब कि उसका नेचर क्या है हाइड्रोकार्बन का, यानी हाइड्रोजन और कार्बन किस तरह के हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हैं तो किस तरह से जुड़े होते हैं उस आधार पे। तो पहली बात, पहला पॉइंट, यदि हाइड्रोजन परमाणु एलिफैटिक श्रृंखला से, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, ग्रुप 17। ठीक, उसको यक्ष से सूचित किया जाता है, इसमें यफ सीएल पीआर आई, यह है हाइड्रोजन परमाणु। तो एलिफैटिक श्रृंखला से जुड़ा हो, तो एलिफैटिक श्रृंखला किसे कहते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इससे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो इसे एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड खुली श्रृंखला या खुली श्रृंखला वाले सभी कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है, हैलोजन यौगिक या हेलो एल्केन कहते हैं। तो सॉरी कहाँ चले गए, एलिफैटिक श्रृंखला से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है, एलिफैटिक हैलोजन यौगिक। एलिफैटिक इसको लिया जाता है, हैलोजन इसको, एलिफैटिक हैलोजन यौगिक कहा जाता है या हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं यह एलिफैटिक श्रृंखला खुली श्रृंखला, ऐसे एक हैलोजन परमाणु सीएल जुड़ा हुआ है। उसी तरह ये इधर बेंजीन वाला भी ले लेता हूँ, तो ये साइड से श्रृंखला में जुड़ा है इसलिए इसको हेलो एलिफैटिक यौगिक ही माना जाएगा, बेंजीन यौगिक नहीं माना जाएगा। बेंजीन वाला भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि CH2 बाउंड है, इससे सीएल जुड़ा है। बीआर पे हम जोड़ सकते हैं, इसको बोला जाएगा क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्लोरो तीन कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। यहाँ पे ये साइड से जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला मान्यता में इस श्रृंखला को दे रहे हैं, इसको फेनिल बोलेंगे। अगर ये इसको से मान्यता देते हैं इसको बेंजीन बोला जाता है, लेकिन अभी ये साइड से इसको पार्श्व श्रृंखला माना जाएगा, साइड चेन माना जाएगा, तो इसको फेनिल बोला जाता है। तीन कार्बन है तो इसको प्रोपिल बोला जाता है, इसको क्लोराइड बोला जाता है साधारण नाम में। तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, तो वन क्लोरो तीसरे पर फेनिल और ये है प्रोपेन, इसको मुख्य श्रृंखला माना जाएगा। तो फिर दूसरा पॉइंट है कि यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा, एरोमेटिक कार्बन क्या है, तो बेंजीन को ही एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, उसके किसी कार्बन से जुड़ा हो तो इसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या हेलो एरिन कहते हैं। देख सकते हैं ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे इसका नाम, या हाँ यही नाम होगा ब्रोमो बेंजीन, साधारण आईपीएसी दोनों एक ही होता है। सीएल भी ले सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, वहां पे हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की प्रकृति था, यहाँ पे कार्बन परमाणु की प्रकृति से लेना देना है, यानी कार्बन एटम की नेचर से। तो देखिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड मतलब वही हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, आर बाउंड एक्स, आर क्या है एल्किल समूह है, सी एन एच टू एन प्लस वन होता है इसका, आर बताया हूँ अगले वीडियो में भी, अगला वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आर का मतलब होता है कि सी एन एच टू एन प्लस वन, यानी हर में से एक बाउंड निकला रहेगा इसका दूसरे से जुड़ने के। तो ये एल्किल, ये हो गया हैलोजन यानी हैलाइड। अगर है यौगिक में उपस्थित हैलोजन के जुड़ने वाले कार्बन की प्रकृति, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, कार्बन किस तरह का है, वन डिग्री है, टू डिग्री है, थ्री डिग्री है, इसी को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कहते हैं। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्न भी कितने तरह के हो जाएंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हो जाएंगे। इसी एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों में बांटे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्बन अकेला है तो इसे भी वन डिग्री ही माना जाएगा,
यहाँ पे ये कार्बन देखा जाए तो एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे भी 1 डिग्री ही माना जाएगा, लेकिन वही ये कार्बन देखा जाए तो ये 2 कार्बनों से जुड़ा है तो 2 कार्बनों से जुड़े होने के चलते इसे 2 डिग्री बोला जाता है। यहाँ पे देखा जाए कार्बन तो 3 कार्बनों से जुड़ा है, 3 कार्बनों से जुड़े होने के कारण इस कार्बन को 3 डिग्री बोला जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये हो गया 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री ब्रोमेल मेथेन हो गया, ये 1 डिग्री क्लोरो एथेन हो गया, ये 2 डिग्री क्लोरो प्रोपिल प्रोपेन हो गया, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड 3 डिग्री आइए, नहीं 2 डिग्री आइए, 3 डिग्री प्रो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देख सकते हैं आप इसको टर्सियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ब्यूटिल प्रोपिल ब्रोमाइड नहीं, ये आइसो हो जाता है, ये आइसो प्रोपिल क्लोराइड हो जाता है इसका नामकरण। तो अभी तो मैं समझाया हूँ, नाम से कोई खास लेन देन नहीं है। आगे देखिए, इसी में अब आता है एक एलिलिक हैलाइड, एलिलिक एलाइलिक भी कोई बोलता है इंग्लिश में, एलाइलिक हैलाइड या एलिलिक, तो ये क्या है इसे समझ लीजिए, यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के पास वाले sp3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और उसके पास एक और sp3 संकृत कार्बन परमाणु जुड़ा रहेगा, यानी ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके बाद पास वाला एक फिर से कार्बन sp3 संकृत है उससे जुड़ा हुआ अगर हेलोजन परमाणु रहेगा तो उसी को एलिलिक कार्बन एलिलिक हैलाइड कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये sp3 संकृत है तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2CH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है तो इस प्रसंकरण कैसे निकालते हैं आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि सिग्मा बॉन्ड जितने होते हैं वही प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, 1 2 3 4 है तो sp3 हो गया। आ रहा बात समझ में? उसी तरह यहाँ पे भी देख ले, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, केवल डबल बॉन्ड है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लिक यौगिक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 कार्बन है, उसके तीसरे कार्बन पे जो जब हैलोजन जुड़ता है तब ये एलिलिक हैलाइड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे भी sp3 संकृत है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक इसका बॉन्ड, एक इसका, एक इसका, 4 बॉन्ड यानी sp3 बॉन्ड, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। फिर बेंजिलिक हैलाइड देखिए, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय या रिंग से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से बंधा रहता है, यानी कि बेंजिलिक किसे कहेंगे तो बेंजिलिक का मतलब बेंजिन तो रहेगा ही रहेगा, उसमें हैलोजन जुड़ा रहेगा बेंजिन में, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि एरोमेटिक वलय, ये एरोमेटिक जो रिंग है से जुड़े sp3 कार्बन परमाणु से बंधा रहता है, यानी इसके कार्बन से नहीं, इसके इससे जुड़े sp3 का संकृत कार्बन से, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, इससे जुड़ा ये जो कार्बन है sp3 संकृत है और इससे जो जुड़ा है Cl, तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड ये, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का सिग्मा, sp3 संकृत ये भी हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 sp3 संकृत, तो इस तरह के यौगिक हो जाएंगे बेंजिलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, एक होता है वाइनिलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। तो ये इस प्रकार के यौगिक में क्या होगा, ये हाइलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होगा, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें से केवल एक ही सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो उसे पाई वाले को नहीं लेते, ये पाई वाला ले लेंगे, एक ले लेंगे ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, sp2 तो 3 बॉन्ड हुए, sp2 संकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिक जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु तो विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड हो जाता है। फिर उसी तरह इसमें भी ये बेंजीन नहीं है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इससे डायरेक्ट जुड़ा है Cl, तो इसको वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे, यानी वाइनिलिक ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोवाइनिलिक क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें आता है एरिल हैलाइड, तो एरिल में तो डायरेक्ट बेंजीन रहेगा, तो इस प्रकार एरिल में
होता है बेंजीन, हैलाइड माने हैलोजन। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु मीन्स CLBr जो भी, एक एरोमेटिक वलय के, ये हो गया एरोमेटिक वलय, sp2 संकरित, यानी यहाँ पे जो कार्बन है sp2 संकरित है। कैसे? तो डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होता है, पाई को नहीं लेते सिग्मा को लेते हैं, सिग्मा 1 2 3, तीन सिग्मा हुए तो 3, यानी sp2। ये जो कार्बन है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कार्बन छिपा हुआ है, दिखाया नहीं जा रहा आपको, तो वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो जब डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा रहता है तो हो जाता है एरिल हैलाइड। ये दो स्टेप हुए। तीसरा है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी अब कितने उसमें हैलोजन परमाणु है, अब उस आधार पर बांटेंगे इसे। तो नेचर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर हैलोजन व्युत्पन्न, जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न हैलोजन से बने यौगिक को अणु में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, पॉली, पॉली मतलब दो से अधिक, मोनो मने एक हैलोजन परमाणु रहेगा, डाई मीन्स दो रहेगा, पॉली मने दो से अधिक, 3, 4, 5 भी हो सकता है, में बांटा जा सकता है। ठीक, टेट्राई होता है, चार ही तक हद हो जाता है, क्योंकि कार्बन से चार ही जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, C2H5 से एक हैलोजन जुड़ा तो ये मोनो हैलो एल्केन हो गया, यहाँ पे दो जुड़े हैं तो डाई हैलो एल्केन हो गया, यहाँ पे तीन जुड़े हैं तो ट्राई हैलो एल्केन हो गया, यहाँ पे चार जुड़े हैं तो टेट्रा हैलो एल्केन हो गया। ठीक, समझ आ रहा बात? आगे देखिए, उसी तरह ये बेंजीन से जुड़ा है तो ये मोनो बेंजीन हो गया, मोनो हैलो बेंजीन हो गया, दो जुड़ा है तो डाई हैलो बेंजीन हो गया, हैलो एरिन बोलेंगे, तीन जुड़ा है तो ट्राई हैलो एरिन बोलेंगे। ये इस प्रकार खत्म हुआ। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरिन व्युत्पन्न का नामकरण, जो अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।